मैं इसकी तारीफ कर सकता हूँ। इसमें मुशरिक की मिसाल दी गई है कि अल्लाह को छोड़ करके जो दूसरों को अपना सहारा बना लेते हैं मुशरिक, उसकी मिसाल मकड़ी की सी। He is like a spider, मकड़ी की तरह, मकड़ी जो चाला बनाती है। कभी समझिए इस मिसाल का क्या मतलब है। कई मरतबा आप लोग शायद समझ रहे होंगे, वो सिर्फ चाला आपको दिखाई देता होगा या दीवार। लेकिन वैसे भी मुसलमान पुराने एटीएम से कोई दिलचस्पी तो रखता नहीं है, आधा तीतर तो आधा बटे रही है, तो वो खाली चाला उसे दिखता है। आइए इस मिसाल की तरफ खोलते हैं क्या मतलब इसका। मुशरिक की मिसाल मकड़ी की, मकड़ी को देखो कि अपना लुआब निकल, ये लुआब उसके अंदर होता है। अब ये लुआब धागे की शक्ल में निकल, अब इसमें एक ताना होता है, एक दाना होता है, जानते हैं दाना होता है। अब इस ताने बाने से ये पूरा घर बनाती है। ये ताना बाना कहां से निकला? ये खुद उसके अंदर से निकला है, यानी पूरा मेटीरियल अंदर का है, बाहर से कुछ नहीं है। क्या तमसील है, क्या सीन बन, जो कुछ है उसके अंदर से निकला है। ताना बाना सब कुछ उसके अंदर से निकला, और इसी अंदर से निकले हुए ताने बाने से उसने अपना यह पूरा घर बना लिया। ऐसे ही मुशरिक और बिदअती होता है कि वो अपने खुद के ख्यालात के ताने बाने से एक अकीदा बनाता है, जैसा घर होता है। बिदअती अपने ख्यालात, अपने नजरियात और अपने आइडियोलॉजीज के ताने बाने से एक अमल बनाता है, ये अमल है। मुश्रिक कहता अच्छा ये अकीदा। कुरान हकीम बोलते हैं कि बहुत कमजोर करेंगे, बहुत कमजोर करेंगे, इसलिए कि मटीरियल तो बाहर से आया नहीं है, अंदर का मटीरियल इसके अपने ख्याल है। कमाल की बात है ना, कमाल की बात, सब कुछ अपने अंदर से बने। और सबसे कमजोर था, और अजीब बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी के लिए मोनस इस्तेमाल करना है, शी स्पाइडर, मोनस मकड़ी। इत्तखदत, उलमा बैठे हुए हैं, इत्तखदत के अंदर जो जमीर है वो हया की, यानी औरत की जमीर इस्तेमाल की। एक तो करेला वैसे कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा, एक तो एक कमजोर है औरत, और दूसरे मंतिकी जाता है कि الضعيف لا يصدر منه الا الضعيف, يعني कमजोर से कमजोर ही चीज निकलती है। अब जाहिर है कि ये कमजोर है औरत है, पहले वैसे ही कड़वा है, अभी जो बनाएगी वो कमजोर ही चीज बनाएगी ना, मजबूत चीज, मजबूत से मजबूत चीज बनती है, कमजोर से कमजोर चीज नहीं बनेगी, कमजोर है वो भी जीवन। अच्छा, लो कानू या आलमून जो आखिर में कहा गया वो भी बहुत ही पते की बात यही है कि ये मकड़ी जिसने ये घर बनाया है वो ये समझती है कि ये मेरी महफूज गाह है, मुझे खतरात से बचा लेगी। जिस तरीके से एक मुशरिक समझता है कि मैंने जिसको आसरा बना लिया, सहारा बना लिया है, ये कयामत के दिन मेरे काम आएगा, दुनिया में मेरी बिगड़ी बना देगा, औलाद दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बना लिया उसने। इस मकड़ी को भी मालूम है कि मेरा यह घर मेरे लिए हिफाजत की जगह नहीं है। यही वजह है कि आप देखें कि जब कोई हमला आवर परिंदा इसके जाले के ऊपर हमला करता है तो यह अपना घर छोड़ करके किसी दरख्त के बिल में घुस जाती है। इसको खुद मालूम है कि मेरा यह घर मेरी हिफाजत कर सकता। लोग आलमून का जुमला अजीब गरीब, मैं तो कुरान हकीम में तालिबे हूँ, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, ऐसी ऐसी तमसील है, ऐसी ऐसी बातें हैं। जानते हैं हमने कुरान को छोड़ दिया तो कुरान वाले ने हमें छोड़ दिया, एक
नसीहत करता हूं, इस किताब से जुड़ जाओ। इज्जत यही है, रिफात यही है, कामयाबी यही है, इसके अलावा कई कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो मसल देखो, इसमें नुकता यह बताया गया कि बाहर से जो मटेरियल आ रहा है उससे गड़बड़ है, अपने अंदर के मटेरियल से अपने बनाए। किताब सुन्नत को अपना अकीदा बनाओ, किताब सुन्नत से जो मुस्तफाद अमल है उस अमल को अमल मानो जो बाहर से आ रहा है। इसी वजह से सहाबे किराम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ध्यान देते हैं। हदीस सुना दो, عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن غلبت أرأيت إن ذهبت قال اجعل أرأيت باليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري في كتاب الحج صاحب بولتے ہیں کہ نبی سے حضرت ابن عمر سے ایک نے سوال کیا कि बताइए हजर असमत इस्लाम कैसे किए। तो मैंने नबी उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अपनी तरफ से उन्होंने बात नहीं की। तुम पूछ रहे हो कि हजर असमत के साथ क्या मामला किया गया, तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का सबसे बोसा देते हैं, बोसा नहीं दे सकते तो इस्लाम का सलाम करो। अब देखो हदीस आ गई, ये बाहर की चीज चुपचाप मान लेना। अब ये क्या कह रहे हैं, जरा बताएं क्या बोले, बड़ा बताइए अगर मैं मखलूक कर दिया जाऊ यानी वहां तक मुझे ना पहुंचने दिया जाए हजरे असवद तक, अराई कई सुखी तू भला बताइए अगर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा। देखिए ये अपने अंदर से ख्याल निकालिए, पूछ रहे हजरत एक ऊपर बिगड़ गया क्या है, क्या आ रहा है यमन, यमन से आया ना ये अपना आ रही था यमन में ले जाकर के रखे और कोई बनाने वाला कमजोर हो तो घर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अल्लाह हमें नेक और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा खुदा वना अलहम्दुलिल्लाह।